सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल शालूज लव बुक को और बगल में दिए गए घंटी के बटन को दबाइए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए चीज़ गार्लिक ब्रेड लेकर आई हूँ। ये चीज़ गार्लिक ब्रेड मैं आज आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों के टिफिन में इसको आप आसानी से बनाकर रख सकते हैं, शाम को भी चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं चीज़ गार्लिक ब्रेड हम कैसे बना सकते हैं। तो चीज़ गार्लिक ब्रेड है तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले गार्लिक चाहिए, यानी कि लहसुन चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं, तो इससे हम बनाएंगे गार्लिक बटर। तो बटर भी हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर का अमूल बटर लिया हुआ है। तो हमें गार्लिक बटर बनाने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लहसुन आप देख रहे हैं इसे हम लेंगे और इससे हम कद्दूकस करेंगे और इसको हम बटर में ऐड कर देंगे। तो आप महीन वाला कद्दूकस ले लें और इसको इस तरह से ग्रेट करके आप बटर में ऐड कर दें। तो सारे के सारे लहसुन हम इसी तरीके से कद्दूकस करके बटर में ऐड कर देंगे। जो लहसुन की क्वांटिटी है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आपको लहसुन कितना पसंद है। तो आप चाहें तो लहसुन की कलियों की क्वांटिटी और बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपको लहसुन का फ्लेवर कम पसंद है तो आप चाहें तो इनको कम भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे और हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और बस हमारा गार्लिक बटर बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। है ना, बहुत आसान तरीका गार्लिक बटर घर में बनाने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चीज़ गार्लिक ब्रेड हमें कैसे बनाना है। तो ये देखिए, चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें चाहिए ब्रेड की स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने दो ब्रेड की स्लाइसेस ली हुई हैं, वाइट ब्रेड मैंने ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें मोज़रेला चीज़ चाहिए, इसको पिज़्ज़ा चीज़ भी बोलते हैं। तो ये देखिए अमूल की चीज़ आती है, वो मैंने यहाँ पर ली हुई है। इसके अलावा हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, तो ये जो पिज़्ज़ा के संग चिली फ्लेक्स आते हैं वो मैंने लिए, आप चाहें तो अलग से मार्केट से खरीद कर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गार्लिक बटर चाहिए जो भी हमने तैयार किया था, फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ हमें चाहिए। तो इन चीज़ों से हम बनाएंगे चीज़ गार्लिक ब्रेड। वेरिएशन के लिए आप चाहें तो पास्ता सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो आपको मैं दो तरीके से दिखाने वाली हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो सबसे पहले तो ये जो आप बटर देख रहे हैं, इस पर अच्छे से आप अप्लाई कर दें ब्रेड के ऊपर। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है अगर गार्लिक का, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम अप्लाई करें। तो इस तरह से एजेस को कवर करते हुए अच्छे से बटर को फैला दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड की स्लाइसेस पर हमने बटर को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब हम इस पर डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो पिज़्ज़ा के संग जो चिली फ्लेक्स आते हैं, मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट से लाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको कम यूज़ करें या फिर ना डालें। थोड़ा सा हरा धनिया हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। तो अगर आपको चीज़ का फ्लेवर बहुत पसंद है तो आप कितना भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप मोज़रेला चीज़ की। बच्चों को यूजुअली जो मोज़रेला चीज़ होता है बहुत पसंद होता है, क्योंकि जब चीज़ मेल्ट हो जाता है और जब आप उसको खाते हैं तो जो वो खिंचता है वो चीज़ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। तो ये देखिए, अब मैं आपको वेरिएशन दिखा रही हूँ। ये जो दूसरी ब्रेड की स्लाइस आप देख रहे हैं, इस पर आप चाहें तो थोड़ा सा पास्ता पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में होममेड पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है तो वो आप लगा दें, या फिर मार्केट से लाकर ये देखिए इस तरह से आती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से एजेस को कवर करते हुए आप इस पर पास्ता सॉस लगा दें। मैं यहाँ पर कोई सब्जियों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस पर कैप्सिकम, कैरेट और प्याज यानी कि अनियन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप थोड़ी सी टॉपिंग के फॉर्म में डाल सकते हैं, तो बच्चों के पेट में सब्जियाँ ही पहुँच जाएंगी। पर यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चिली फ्लेक्स मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो ये देखिए, इस पर आप इस तरह से चीज़ ग्रेट कर दें। अब चीज़ को हम थोड़ा सा फैला देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया फिर से डालेंगे, और चाहे तो ऊपर से भी आप इस पर चीज़ चिली फ्लेक्स थोड़े से स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसको हम बनाएंगे तवे पर। तो सबसे आसान तरीका है, हम इसको तवे पर बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, क्योंकि जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो सबके घर पर नहीं होता, तो तवे पर बनाना बहुत आसान होता है। तो ये देखिए, लो मीडियम फ्लेम आप कर दें और उस पर आप रख दें इस तरह से ब्रेड की स्लाइस को। हल्का सा मैंने तवे को ग्रीस कर दिया था, हल्का सा चिकना कर दिया था, और इसको आप रखा रहने दें लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ है वो इस तरह से मेल्ट हो जाएगा और नीचे से ये बहुत अच्छा सा सिक जाएगा। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको नीचे से कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और ये हमारी जो चीज़ गार्लिक ब्रेड है पिज़्ज़ा फ्लेवर की, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी के पिज़्ज़ा फ्लेवर के चीज़ गार्लिक ब्रेड भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तवे पर मैंने इसको रख दिया है, अब इसको आप ढक दें फिर से लो मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा फ्लेवर चीज़ गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी है।
इसी तरीके से मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ कि जो सिंपल वाला होता है चीज़ गार्लिक ब्रेड विदाउट पिज़्ज़ा फ्लेवर, तो इसको भी हमने चिकने तवे पर रख दिया है। अब इसको आप ढक्कन से ढक दें, लगभग 4 मिनट लिए आप इसको ढक दें और धीरे धीरे इसको आप नीचे सिकने दें, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ है ऊपर से मेल्ट हो जाएगी, साथ ही जो ब्रेड है वो भी नीचे सिक जाएगी और नीचे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, साथ ही ऊपर से बहुत अच्छा सा ये बहुत अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए नीचे से भी सिक चुकी है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सेक सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा मुलायम पसंद है तो आप इसको अभी निकाल लें, अगर आपको थोड़ा सा क्रस्टी पसंद है तो नीचे से आप इसको थोड़ी देर और सेक सकते हैं। तो हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड दोनों तरीके की बनकर बिल्कुल रेडी है, आप इसको अपने घर में बनाइए और इसको अपने बच्चों के टिफिन में भी आप इसको फटाफट बनाकर रख सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी इस रेसिपी को, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे लिखकर आप बताइए कि आपको मेरी ये चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद योर न्यू रेसिपी। बाय, टेक केयर।